हेलो माय स्वीट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल द डेली स्पेशल। मैं फिर से आ गई एक और नया वीडियो लेकर, एक रिव्यू वीडियो लेकर, एक कंपैरिजन वीडियो लेकर। आज मैं आई हूँ आप लोगों को बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। ऑनेस्टली मुझे कैसा लगा है, पर्सनली मुझे कैसा लगा ये प्रोडक्ट, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उस पर क्लिक करना ना भूलेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं जिनका कंपैरिजन करने वाली हूँ वो सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी ब्रांड्स हैं दोनों, एक दूसरे से कितनी अच्छी हैं, कौन सी अच्छी है कौन सी ख़राब है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत उसमें साइंस की सनस्क्रीन और सेकंड है ये न्यूट्रीजेना की अल्ट्रा सी ड्राइटर सन ब्लॉक्स, मतलब सनस्क्रीन है ये। और कैसी है क्या है वो मैं आप लोग को एक एक करके चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वाव के बारे में बताती हूँ। ये वाव स्किन साइंस की वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन है। और ये मैट फिनिश है, एसपीएफ 55 है, पीए3 पॉजिटिव है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये, और नेचुरल सन ब्लॉकर्स है ये। और इसमें रसबेरी एक्सट्रैक्ट है, कैरट सीड एक्सट्रैक्ट है और एवोकाडो ऑयल है इसमें। और ये SPF टेस्टेड है, और जैसे कि सभी वाव प्रोडक्ट्स होते हैं वैसा ही इसमें भी है। नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो ऑक्सीडाइज्ड कलर, नो मिनरल और नो बेंजोफेनॉन। सबसे अच्छी बात ये वाटर रेसिस्टेंट है और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड इन इंडिया है। और इसका नेट वेट 100 ml है और इसकी MRP 499 है। एज यूजुअल ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की उनकी 499 ही MRP होती है। डिस्काउंट के बाद ये मुझे कितने पे मिला है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी। ये मैंने पर्पल से परचेस किया था। इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स और इसका नेट वेट 100 ml है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। क्रुएल्टी फ्री है ये, ग्लूटेन फ्री है और 100% वेगन है। कैसा है ये जो जो इस पर मेंशन किया गया है वो मैंने आप लोग को बता दिया। और ये कैप है जो कि पंप फॉर्म में है और ये लॉक भी हो जाता है। इस तरीके से आप इसको यूज करने के बाद लॉक कर सकते हैं, तो ये लॉक हो जाता है, इसलिए ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है और छोटू सा है ये। देखिए तो कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। जा रहे हैं उससे 15 से 20 मिनट पहले अप्लाई करना है आप लोग को, आई के कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है। और आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं every 2 hours, जैसे कि सभी सनस्क्रीन सभी लोग यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी यूज़ करना है। और ये क्या क्या करता है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। ये हमारे स्किन को UVA UVB रेस से हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, और हमारे पॉल्यूशन होता है जो हमारे स्किन पर डर्ट होता है उससे भी हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और ये नॉन ग्रीसी है, नॉन स्टिकी है, SPF 55 है और हाई कवरेज है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, इसकी स्मेल कैसी है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी। ये देखिए ये इस टाइप की है, हल्की सी पिंकिश शेड में है ये। ये देखिए इस टाइप की, इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाती है और वाइट स्टार्च भी नहीं छोड़ती है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं। लेकिन और मैंने जितनी भी सनस्क्रीन यूज़ की है ना तो कम ही छोड़ती है ये देखिए। और हल्का से ग्लो भी दे देती है हमारी स्किन पर, ग्लो है ये वाला हैंड देखिए, मेरा ये वाला हैंड देखिए, इसमें ग्लो है। जो कंपैरिजन के लिए सेकेंड मेरी सनस्क्रीन में वो आपको दिखाती हूँ मैं, ये न्यूट्रीजेना की सनस्क्रीन है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है कैसे है। ये न्यूट्रीजेना की अल्ट्रा सी ब्राइटर सन ब्लॉक्स है, SPF 50 प्लस है, विद हेलियोफ्लेक्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम UVA UVB PA3 पॉजिटिव। और ये अल्ट्रा लाइट क्लीन फील है और ये अल्ट्रा लाइट है, लीव्स स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ वाटर प्रूफ। ये हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और स्मूथ बना देता है और ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। और ये 30 ml है, 199 में 30 ml, ये भी डिस्काउंट में ही मिला था मुझे। तो ये है न्यूट्रीजेना का सन्स। और ये क्या क्या क्लेम करते हैं वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, रफ ऑफ है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, वॉन्ट क्लॉक पोर्स है और ऑयल फ्री है और पावर फ्री। और इसको अप्लाई कैसे करना है वो भी इसमें दिया गया है। 15 to 30 मिनट बाहर जाने से पहले आपको इसको अप्लाई करना है, हर 2 आवर्स में आपको इसको रीअप्लाई कर लेना अगर आप बाहर हैं तो। और स्विमिंग करने वालों को 30 to 40 मिनट पहले इसको अप्लाई कर लेना है, हर आधे घंटे बाद आप इसको रीअप्लाई कर लीजिएगा। और इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है, इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ। दोनों को कंपेरिजन करती हूँ एक एक करके, सारे जो भी क्लेम्स, जो ये क्लेम कर रहा है जो ये क्लेम कर रहा है, दोनों को एक साथ मैं बताती जा रही हूँ। ये वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन है, ये न्यूट्रीजेना की सनस्क्रीन है, ये SPF 55 है, ये SPF 50 प्लस है, ये भी PA3 पॉजिटिव है और ये भी 3 पॉजिटिव है, दोनों की सेम बात है। और ये 199 में 30 ml मिल रहा है और ये 499 में
100 ml मिल रहा है। इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर्स है, इसकी सेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। ग्लूटेन फ्री है और इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और ये ग्लूटेन फ्री भी है, इसमें भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है ग्लूटेन फ्री है या ग्लूटेन फ्री है कैसी है, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। इसमें रेसबेरी एक्सट्रैक्ट है और कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है और एवोकाडो ऑयल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए। वाटर रेसिस्टेंट है और ये वाटर प्रूफ है। ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और ये भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और ये 100% वेगन है वाओ का, और इसमें ऐसा ये कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो भी आपको दिखा, अब इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसकी देखने में कैसी लगती है। ये देखिए, ये हल्की सी टोई कंसिस्टेंसी। इसमें मैंने वाओ को अप्लाई किया था और इसमें न्यूट्रीजेना को अप्लाई कर रही हूँ। ये एकदम जेल बेस्ड है, ये देखिए, और ये बिल्कुल भी वाइट स्पॉट नहीं। और ये है मेरी वाओ की, इसमें मैं आपको फिर से अप्लाई, इसको टाइम लग रहा है एब्जॉर्ब होने में, दम एब्जॉर्ब हो गया, देखो बिल्कुल भी टाइम लगा। और इसको अच्छे से रब करना पड़ रहा है, देर तक रब करना पड़ रहा है। वो एकदम जेल बेस्ड है और ये क्रीमी फॉर्म में है। इसमें हल्का सा वाइट स्कॉच छोड़ रहा है और इसमें बिल्कुल भी वाइट स्कॉच नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है, और ग्लो भी दे रहा है, दोनों ग्लो दोनों ही दे रहे हैं। इसमें हल्का सा वाइट स्कॉच है और ये देर में एब्जॉर्ब होती है। और ये न्यूट्रीजेना की एकदम जेल बेस्ड है तो एकदम जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है और ये वाइट स्कॉच बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। मुझे पर्सनली कौन सी बेस्ट लगी है वो मैं आपको बताती हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसके देखती हूँ तो ये बेस्ट लगती है। दोनों ही सेम, दोनों ही एक ही जैसी हैं। कुछ इसमें बातें अच्छी हैं, कुछ बातें इसमें अच्छी हैं। अगर आप वाइट स्कॉच नहीं चाहते हैं अपने फेस पे तो आप न्यूट्रीजेना खरीदिए। और अगर आप इंग्रेडिएंट्स को अपने माइंड में रखते हुए खरीदते हैं और SPF को अपने माइंड में रखते हुए खरीदते हैं तो फिर आप वाओ का खरीदिए। मुझे ये दोनों ही अच्छी लगी हैं, दोनों ही अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पे। अगर आपको जेल बेस्ड में चाहिए तो आप इसको परचेस कीजिएगा, अगर क्रीमी फॉर्म में चाहिए तो आप इसको परचेस कीजिए, क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म में है इसलिए ये देर में थोड़ा एब्जॉर्ब होती है हमारी स्किन पर, थोड़ा सा टाइम लगता है। हल्का सा वाइट स्कॉच भी छोड़ती है, बिल्कुल नाम मात्र का, मतलब थोड़ा सा ये जीरो करती है तो 0.001 स्कॉच वाइट स्कॉच छोड़ता है। इस टाइप से मैं आपको बता दें ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये इस टाइप की है ये वाओ स्किन साइंस की सनस्क्रीन और ये न्यूट्रीजेना की और थोड़ा देर में एब्जॉर्ब होता है। और ये न्यूट्रीजेना की जल्दी हो जाती है एब्जॉर्ब, जेल बेस्ड है इसलिए जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये तो था मेरा आज का रिव्यू, आज का कंपैरिजन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन लोग को भी इसकी थोड़ी सी जानकारी हो कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए। तो आप इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। मैंने दोनों को बिल्कुल ऑनेस्टली बता दिया है मुझको ये कैसा लगा है। अभी करंटली मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इन्हों से मैं इसको भी यूज़ कर रही थी तो मैंने सोचा ये न्यूली लॉन्च था तो मैंने सोचा इसको मैं इसको भी यूज़ करके देखती हूँ कैसा निकल। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपके लिए नॉलेजेबल हुआ है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अच्छा लगा है आप लोग को मेरा रिव्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उस पर क्लिक करना ना भूलेगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, इस तरीके की रिव्यूज़ वीडियो लाऊँ, हॉल वीडियो लाऊँ, रेसिपीज़ वीडियो लाऊँ, तो आपको वो जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके, आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो DJL मिलते हैं अगली वीडियो में।